इस यात्रा का दूसरा दिन है और गिरिराज कृपा प्रभु, नित्यानंद तपो नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य प्रभु, इनके आशीर्वाद से यहाँ पर कुछ थोड़ा कथा करेंगे। और आप जहाँ पर बैठे हैं, वो जो स्थली है, वो जो धाम है, इसे बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। श्री बद्रीनाथ धाम की, आप में से कितने लोग बद्रीनाथ गए हैं? चार धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री गए हैं, यमुनोत्री, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ गए तो उसका फल आपको मिल जाता है। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहार। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये बहुत ही सुंदर ऐसा भजन लिखा है, जहां पर समझाया गया है कि वृंदावन एक रम्य स्थान है और क्या है, चिंतामणि धाम। हम सबको चिंतामणि है कि नहीं? हमको काहे की चिंता है? मनी की चिंता है। हाँ, हम सब सोचते हैं कि मनी मनी कैसे आएगा, टाका 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 का चिंता है। जब वृंदावन धाम में आते हैं तो ये हमारा चिंतामणि धाम है, हमारी सारी चिंताओं को हर लेता है। और जैसे कि हम इस स्थान पर बैठे हैं तो ये बद्रीनाथ धाम कैसे आया? एक बार नंद महाराज ने कृष्ण से इच्छा प्रकट की कि सारे अलग अलग जगह के लोग चार धाम जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश जा रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हैं। यमुनोत्री जो हम यमुना जी का जो दर्शन किया है वृंदावन धाम में, उसका जो उगम स्थान है यमुनोत्री, नंद महाराज ने एक बार इच्छा प्रकट की कृष्ण से कि अब हम चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो हमें जाने की व्यवस्था की थी और सारे ब्रजवासी चार धाम जाने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान कृष्ण को जब ये समझ में आया कि अरे सारे जो ब्रजवासी है, बाबा, माँ यशोदा, ये सब चार धाम के लिए जा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने योग माया को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि देखिए सारे ब्रजवासी चार धाम जाना चाहते हैं, तो कृपा करकर आप यहाँ पर ही चार धाम की व्यवस्था कीजिए, यहाँ पर चार धाम निर्माण कर दीजिए। तो जो जो भी चीजें वहां पर उपलब्ध है वो सब यहाँ पर उपस्थित कर दी योग माया। तो यहाँ पर आपको बद्रीनाथ धाम है और जैसे कि बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल जी का विग्रह है, बद्री विशाल जी के विग्रह में जैसे जिस प्रकार से वो बैठे हुए, यहाँ पर ही आपको यहाँ पर जो दर्शन ले लिया आपने बद्री विशाल जी का, वो वहां के बद्री विशाल जी का दर्शन लेने के समान है। अरे वो वहां पर भी उद्धव जी का विग्रह है, यहाँ पर भी उद्धव जी का विग्रह है, वहां पर नर नारायण ऋषि पर्वत है, यहाँ पर भी, कि यहाँ पर आपको दो पर्वत वहां से दिखते हैं, ये हमारे दाहिने साइड में जो है वो है नारायण ऋषि पर्वत और आपको और एक पर्वत दिखेंगे उधर, वो है नर पर्वत। तो ये नर नारायण पर्वत भी यहाँ पर उपस्थित है। तो ये जो स्थान है काम्यवन स्थान, ये बहुत ही कृष्ण का प्रिय स्थान है। जैसे कि हम सब जानते हैं वृंदावन में कितने वन है? चार वन है, बारह वन है, द्वादश वन, द्वादश कानन। तो ये जो बारह वन में से चौथा जो वन है वो है काम्य वन और यहाँ पर भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें समझाते हैं, यत्र अखिल ऐश्वर्य महार्य लीला बलि बलि यस्य बले बलिना माधुर्य चर्या
चय चारुवरिया। मैं बता रहा था कि भगवान के ऐश्वर्य के सामने हर कोई निर्बल हो जाता है और किसी भी ऐश्वर्य के सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं। किसी के पास बहुत पैसा है तो उस व्यक्ति के सामने बहुत लोग झुक जाते हैं। किसी के पास बहुत नाम है, उनके पास बहुत ज्ञान है, ऐसे सारे व्यक्तियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य बहुत सबको आकर्षित करता है। तो यहाँ पर इस काम्य वन में भगवान ने बहुत सारी ऐश्वर्य लीला की, लेकिन वो ऐश्वर्य लीला के सामने कोई नतमस्तक नहीं हुआ, वो और मधुर हो गई। तो ये जो काम्य वन है भगवान के ऐश्वर्य लीला को मधुर बनाता है और भगवान को ये बहुत प्रिय है, भगवान कृष्ण को। यहाँ के ऐश्वर्य लीलाओं में मधुरता है ना, जैसे सबको रसगुल्ला पसंद आता है ना। रसगुल्ला क्यों पसंद आता है? रस है, उसमें मधुरता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो ऐश्वर्य लीला की है भगवान ने, वो रसगुल्ले के साथ की है, तो सबको पसंद आती है। तो ये काम्यवन जो धाम है, वृंदावन का एक स्थान है, यहाँ पर भगवान ने ये जो चार धाम उपस्थित किए हैं जिनका हम अभी दर्शन करेंगे। आज अभी हमारा पहला जो दर्शन हो गया वो है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के बारे में जैसे हम जानते हैं, वहां पर भी नर नारायण ऋषि वहां पर हजारों सालों से सारे जीवों को एक चीज सिखाते हैं। क्या है बता सकता है कोई? नर नारायण ऋषि हमें क्या सिखाते हैं? तपस्या करना, जो हमको अच्छी नहीं लगती है ना, सुबह उठना, जप करना, तो और हमारे प्रभु जी का नाम क्या है? तपो नित्यानंद प्रभु। तो कृष्ण भक्ति में हमारे लिए सबसे आसान, सबसे सरल जो चैतन्य महाप्रभु ने मार्ग दिया है वो क्या दिया है? हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो कृष्ण भक्ति ये चैतन्य महाप्रभु ने दी है हमें, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, आप सभी के समान। इसमें करने में कोई कठिनाइयां नहीं है, लेकिन कलयुग में हमारा जो मन है वो इतना पीड़ित है, इतना परेशान करता है कि जो सरल विधि है उसे भी हमें लगता है कि बहुत कठिन है। इतना 16 माला जप क्यों करने का? इतने सारे सब कुछ है करने के लिए, लेकिन मन कहता है कि ये क्यों करना है? इतनी सरल भक्ति है, यहाँ पर हम वृंदावन में आए हैं, लेकिन हमारा मन क्या कहता है कि जल्दी से बंगाल जाना चाहिए। इतनी सारी परेशानियां हो रही है, सुबह सुबह प्रभु जी उठाकर लेकर आ जाते हैं, कल रात में इतना देर हो गया, फिर इतना तपस्या क्यों करवाते हैं? ये लेकिन कुछ समय की, कुछ क्षण की तपस्या है, लेकिन ये तपस्या का फल क्या प्राप्त होता है? कृष्ण प्रेम। और जो बहुत ही दुर्लभ है सत्ययुग में, कलयुग, त्रेता युग में, द्वापर युग में, ये जो कृष्ण प्रेम है इतने आसानी से नहीं मिलता था। वहां पर क्या करना पड़ता था? ध्रुव महाराज जैसी तपस्या। ध्रुव महाराज ने कैसी तपस्या की? 3 दिन में एक बार सांस लेते थे। हम में से कौन है ऐसा 3 दिन में एक बार सांस ले लें? बस अभी 3 दिन तक सांस नहीं लेने की, या 3 दिन तक खाना नहीं खाने का, सिर्फ ऐसे सूखे पत्ते खाते थे, है कोई? इतना तपस्या तो हमको कहा नहीं गया। उतना करने के बाद भी जब भगवान प्रसन्न हो गए, ध्रुव महाराज ने भगवान से क्या प्रार्थना की? जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त क्या प्रार्थना करता है? भगवान मुझे आपके भक्तों का संग दीजिए। भगवान प्रसन्न होने के बाद ध्रुव महाराज ने भगवान से क्या प्रार्थना की? भगवान मुझे जो आपके भक्त है, जो हरे कृष्णा जप करते हैं,
जो आपका सेवा करते हैं, जो आपका हमेशा चिंतन करते हैं, उन भक्तों का मुझे आप संग दीजिए। उन भक्तों के संग में मैं रहना चाहता हूं। और प्रभुपाद की कृपा के कारण, प्रभुपाद के असीमित कष्टों के कारण हमें क्या प्राप्त हुआ है? जो ध्रुव महाराज को इतनी तपस्या करने के बाद, भगवान को प्रसन्न करने के बाद जिसकी लालसा थी, वो भगवत भक्त का संग, वो भगवत भक्तों का आश्रय हमें बहुत आसानी से मिल चुका है। उसके लिए हमें तपस्या करनी नहीं पड़ी। इसीलिए हमको क्या लगता है कि भक्तों का जो संग है वो तो हमें कभी भी मिल जाएगा। भक्तों के साथ हम कैसे भी व्यवहार कर सकते हैं, भक्ति में हम चाहे जो चाहे वो व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत दुर्लभ ऐसी वस्तु है, वो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें बहुत सुलभता से प्राप्त हो चुकी है। नहीं तो भक्तों का संग मिलना बहुत कठिन है। उसके लिए भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है। हमको तो भगवान प्रसन्न होने के पहले ही भक्तों का संग मिल गया है, और भक्तों के संग में श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो बहुत ही कठिन है। प्रहलाद महाराज भी नरसिम्हदेव से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे नरसिम्हदेव, मुझे नारद मुनि की सेवा करनी है, तो आप मुझे कृपया नारद मुनि की सेवा में संलग्न कीजिए। तो ये सारी जो घटनाएं हैं और जो हमारे शास्त्र हमारे हमें इंगित करते हैं कि भक्तों के संग में हमें भगवत भक्ति में अग्रसर होना है, और भक्ति पूरक, भक्ति अनुकूल कार्य कर अपने भक्ति को और बढ़ाना है। और भक्ति अनुकूल कार्य कब होते हैं? जब हम गुरु और भक्तों की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जब गुरु की आज्ञाओं का पालन हम करना शुरुआत कर देते हैं, भक्तों की आज्ञाओं का अनुसरण हम शुरुआत कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे भक्ति में हम अग्रसर बन जाते हैं और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। और कोई प्रयास नहीं करना होता। भक्तों के आज्ञा अनुसार हम हमारा व्यवहार करें, हम हमारी भक्ति को उस दिशा में चलाए जहां भक्त चलाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वृंदावन हमारे यहाँ पर भी है और वृंदावन हमारे हृदय में भी तैयार हो जाए। भगवान को वाटिका बहुत पसंद आती है ना? चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान श्री राम हो, या चाहे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों ना हो, इन्हें वन का अर्थ क्या होता है? वाटिका हो या बगीचा हो, भगवान श्री राम और माता सीता का मिलन कहां पर हुआ था पहली बार? पुष्प वाटिका में माँ सीता और भगवान श्री राम जब अयोध्या जनकपुरी में थे, तो वहां पर उनका मिलन हुआ था। तो यहां पर भी वन है, ये वृंदावन, तो हमारा हृदय भी वो वाटिका के समान होना चाहिए, जहां पर भगवान आने का वहां पर चेष्टा करेंगे। और ये वाटिका में क्या होते हैं? घास होता है, झाड़ होते हैं, फल फूल होते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे हृदय रूपी वाटिका में दो चीज होती है, एक पेड़ होते हैं और एक होती है घास, तो ये घास चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? त्रिनादपि सुनी चैन और तररपि सही सुना। तो ये वाटिका कैसे बनती है? घास और पेड़ से। तो उसी प्रकार से हमारे हृदय में ये दो प्रकार का जो गुण है, जो चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं, क्या है? तिन्नादपि सुनी
सुनी चेना, घास के समान एकदम नम्र रहना और पेड़ के समान सहिष्णु रहना। ये दो क्वालिटी, ये दो जो गुण है हमारे हृदय में अगर आ जाए तो हमारा हृदय भी वो वाटिका के समान बन जाएगा। अभी कंक्रीट पे कभी झाड़ पेड़ आते हैं क्या? कभी देखा है? उसके अगल बगल में कंक्रीट बना जा सकता है, लेकिन कंक्रीट में कभी पेड़ नहीं उगेंगे, कभी घास नहीं उगेगी। तो अगर हमारा हृदय अगर कंक्रीट के समान रहा, बड़ा कठोर, हमारी बोली भी कठोर है, हमारा व्यवहार भी कठोर है, तो वहां पर भक्ति लता जो बीज है वो कभी उसका कभी अंकुरित नहीं होगा, वो कभी बढ़ेगा नहीं। तो वृंदावन में जब हम आए हैं तो वृंदावन का जो भाव है वो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है। त्रिनादपि सुने चेना करो रवि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर हमें कीर्तन हमेशा करना है तो हमें हमारे हृदय को एक वन के समान, एक वाटिका के समान हमें बनाना है। और जब ये वन बन जाएगा तो कृष्ण अपने आप हमारे हृदय में आकर हमारे हृदय को चुरा लेंगे। कृष्ण माखन चोर है ना, लेकिन कृष्ण हमारे हृदय के भी चोर है। श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम नवाम बुद्धि श्यामल कांति चोरम। तो कृष्ण न केवल माखन चुराते हैं, वो भक्तों का हृदय चुराने में भी बहुत एक्सपर्ट है। तो अगर हमारा हृदय अगर हमें चुरवाना है तो हमें उसे वृंदावन के समान बनाना होगा। तो ये वृंदावन में अभी और भी बहुत स्थान है। अभी यहाँ पर आज हमने यहाँ पर दर्शन किया बद्रीनाथ का, कुछ दूरी पर है केदारनाथ, यहाँ से 10-11 किलोमीटर है। वहाँ पर भी जैसे केदारनाथ धाम में 17 किलोमीटर की चढ़ाई आपको करना पड़ती है भगवान शिव जी का दर्शन लेना है तो वो स्थान भी यहाँ पर भगवान कृष्ण की कृपा से यहाँ पर उपस्थित हुआ है। वहाँ पर भी गौरी कुंड है जहाँ जो ओरिजिनल जहाँ पर बद्रीनाथ में है। तो ये स्थान को आदि बद्रीनाथ कहा जाता है, आदि केदारनाथ धाम कहा जाता है, आदि ऋषिकेश, आदि हरिद्वार, आदि गंगोत्री और आदि यमुनोत्री। आदि इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये पहले उपस्थित हो गया और फिर बाद में, क्योंकि वृंदावन में सब कुछ उपलब्ध है। आपको गंगा भी मिल जाएगी, मानसी गंगा में हम जाके दर्शन लेंगे। यहाँ पर जो भी तीर्थ अगर किसी को इच्छा है कि नहीं जा पाए तो वृंदावन में इस स्थान पर भेद देने के बाद वो सारे तीर्थों का जो फल है आपको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसे चिंतामणि धाम भी कहते हैं।